नमस्कार, भावना तिवारी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं साउथ इंडियन सांभर, आइए देखिए उसकी रेसिपी। सांभर बनाने के लिए हमें चाहिए उबली हुई अरहर की दाल, कटी हुई सब्जियां, बैंगन, बीन, टमाटर, लौकी और प्याज। मसालों में हमें चाहिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच सांभर मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच चीनी, आधा कप इमली का रस। तड़के में हमें चाहिए 2 चम्मच तेल, सरसों और मेथी के दाने, कड़ी पत्ता और 3 लाल मिर्च और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। सबसे पहले एक पैन गरम कर लेंगे, उसमें सारी सब्जियां पकाएंगे। हम उसमें घिया डालेंगे, बीन डालेंगे, बैंगन डालेंगे और प्याज डालेंगे। हिलाएंगे सब्जियों को थोड़ा सा। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, ऊपर से नमक डाल देंगे। सब्जियों को 5 मिनट पकने देंगे, थोड़ी मुलायम होने देंगे सब्जियों को और इसमें ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और इसमें हल्दी डालेंगे, मिर्च पाउडर, इमली का पाउडर, ऊपर से इसमें सांभर मसाला डाल देंगे। इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम तड़का तैयार कर लेंगे इसका। हमने एक कढ़ाई गरम कर ली है, उसमें हम तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें राई और मेथी दोनों के मिक्स दाने डाल देंगे। इसको अच्छी तरह चटकने देंगे। हम लाल मिर्च डाल देंगे। ये अच्छी तरह चटक चुके हैं दाने, अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब हम इसमें उबली हुई दाल डाल देंगे। अच्छी तरह से हिलाएंगे इसको। अब हम ऊपर से सारी सब्जियां डाल देंगे जो हमने अलग से पका के रखी थी। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये काफी गाढ़ा है, हम इसमें पानी डालेंगे ऊपर से। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, चीनी थोड़ा सा हिला लेंगे। अब हम इसमें 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, देखें हमारा सांभर कैसा बना। सांभर बन चुका है, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। सांभर बन के तैयार है, आप इसको चावल के साथ खाएं, इडली के साथ खाएं, डोसा के साथ खाएं, किसी के चीज़ के साथ भी खा सकते हैं इसको। अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। इस तरह की रेसिपी और जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।